बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय एक। इतिहास के अध्याय एक जो है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, ये फ्रांसीसी क्रांति का खंड 5 है, दास प्रथा का उन्मूलन, है ना। दास प्रथा का उन्मूलन जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 21 पर है बच्चों, है ना। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, 9th और 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 9th की गणित देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, है ना। जो जेकोबिन शासन था उस समय उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन जो है उसमें सुधार किए थे। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, ठीक है। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया, है ना। तो ये जो देश थे, यहाँ पर नील, चीनी और कॉफी जो है इसके महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। तो ये जो देश थे यहाँ पर काम करने के लिए, है ना, काम करने के लिए जो है दास लाए जाते थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, है ना। दास व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अंटार्कटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इतना अमानवीय कार्य उस समय दास प्रथा के रूप में हो रहा था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी, है ना। पुनः शुरू हो गई थी दास प्रथा। फिर बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया, ठीक है बच्चों। 1848 में फिर दास प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन हुआ। अब यहाँ पे नया शब्द में दे रखा है बच्चों, देखो निग्रो शब्द आया था, अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। तो यहाँ निग्रो का अर्थ दे रखा अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, है ना। यह अपमानजनक शब्द है जिसका प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका अब इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहाँ पे बता रखा है दास मुक्ति वाला, ये चित्र दे रखा, देखो बच्चों दास मुक्ति से संबंधित है।